जिन घरों में सत्संग की परंपरा बनी रहती है उन घरों के बच्चे बिगड़ते नहीं है, संस्कारवान हो जाते हैं। घर में सात्विक पूजा पाठ का माहौल रखिए, वातावरण अच्छा बना के रखिए। घर में नित्य हवन करने का नियम बना लीजिए, भले ही पांच आहुति आप अग्नि में डालिए। जिस घर में नित्य होम होता है वहां सबकी बुद्धि ठीक हो जाती है। आप जो भी भगवान जो भी भोग लगाएं वो अपने बेटे को खिलाइए। पूजा नहीं करता मत करने दीजिए, जबरदस्ती भी मत करिए। क्या करना है, आप जो भी घर में रसोई बनाएं शुद्धता से बनाएं, पवित्रता से बनाएं, भगवान को भोग लगाएं और वही पूरे परिवार को प्रसाद मन मान करके कि हम प्रसाद खिला रहे हैं। तो जब बच्चे परिवार पति सब लोग वह प्रसाद पाएंगे तो प्रसाद खाने से उनकी बुद्धि में अपने आप सात्विकता आ जाएगी, उनके विचारों में अपने आप बदलाव आ जाएगा और अपने आप अनुकूल हो जाएंगे। तो जो भी वस्तु आप घर में बनाएं बिना भगवान को निवेदित किए हुए ना पाएं, और घर में वही बनाएं जो भगवान को भोग लग सकता है। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। गुरु जी एक यही जो आप बात अभी कह रहे हैं ना, ये हवन जो घर में करें तो लकड़ी तो रोज मिलती नहीं है, हम आगे पे ही अपने घर पे हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं पांच बार वो अग्नि बन, जैसे लकड़ी नित्य उपलब्ध ना हो वैसे तो संविधा व्यवस्था महीने में एक बार कर देते हैं, महीने में एक बार पुरनवासी को करते हैं हवन। नहीं यदि नित्य कर लें हाँ नित्य करते हैं आगे पे पांच बार आगे में आहुति छोड़ दें वो भी बहुत अच्छा है। आहुति में शक्कर और घी डाल देते हैं बस। ठीक है ठीक है यही डाल। देखिए नित्य का अग्निहोत्र का नियम थोड़ा अलग है। जी जी बताइए। वो ये है कि आप बाजार से देखो हम अपने लिए इतना सब जुटा लेते हैं, भगवान के लिए लकड़ी नहीं मिल रही जी, रोज इतना कहाँ कर पाते हैं। ये समस्या यही है जी, अपने लिए व्यक्ति यदि कहीं ब्रिटेन में भी कोई चीज मिलती हो तो ढूंढ के ले आएगा जी, है जी। दुनिया से चीज खोज लेते हैं कि नहीं हम लोग अपने लिए जी, जी। और भगवान के लिए जी। बहुत मुश्किल होता है जी। क्योंकि हम सोचते हैं अरे अब इसके लिए कौन चक्कर में पड़े, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भगवान तो सब जानते हैं। अरे वो तो सब जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि तुम लोग उनके लिए कितना ताला टूली करते हो। ये गलत है कि सही है ये बताइए आप। सही है, बैठ जाइए। अपनी गुरु जी एक बार जैसे तिल्ली के तेल का हम घर में दीपक जलाते हैं और हनुमान जी की भी पूजा कर लेते हैं, जोत जलाते हैं, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तिल्ली के तेल की जोत जलाते हैं हाँ जला देते हैं गुरु जी, इतना ही नहीं हो पाता तो हम आरती के समय करते कोई बात नहीं, तिल्ली के तेल की जला सकते हैं, शुद्ध होता है। अच्छा। तिल्ली का तेल बहुत पवित्र है, उसकी जोत जला सकते हैं, अच्छी बात है। और एक और ये आप जब गुरु जी का मंत्र जो लिए हैं उसमें ओम आगे लगा है तो क्या उसको तो जाप तो कर ही सकते हैं? एक एक प्रश्न पर चर्चा करते चले, देखो एक साथ बहुत सारे प्रश्न कर देंगे तो फिर हम भी कुछ समझ नहीं पाएंगे और ना उत्तर दे पाएंगे। पहले हवन वाली बात को पूरा करिए फिर गुरु मंत्र वाली करिए। ठीक ठीक। हवन वाली बात यह है कि नियम तो ये है कि आप लकड़ी की संविधा की व्यवस्था करके रखिए और अग्नि जो जल रही हो जलती हुई अग्नि में पांच आहुति डालें, 11 डालें, कितनी भी डालें। मान लीजिए नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो ना करने से अच्छा है कि आप अंगार में ही पांच आहुति दे दें तो वो भी बहुत अच्छा है, ना करने से बहुत अच्छा है। हाँ वही करते हैं जी। अब बात यह आती है कि किसकी आहुति दें, जैसे आपने कहा घी और शक्कर, तो घी और शक्कर की नहीं देना है। जी जी। बाजार में शुद्ध तिल मिल जाता है, बढ़िया तिली संक्रांति में मिल जाती है, हम लोग लड्डू बनाते हैं उसके लिए तिली मिलती है कि नहीं? जी जी। तो भगवान के लिए भी मिल जाएगी जी। तो बढ़िया तिली ले आइए, धुलकर साफ कर लीजिए, उसमें थोड़ा चावल मिला लीजिए, जौ मिला लीजिए, शक्कर मिला लीजिए, थोड़ा जड़ी बूटियां जैसे अगर तगर है, जावित्री है, जायफल है, कमल घटा है, लक्ष्मी चाहते हो तो कमल घटा मिला लीजिए, और कूट पीस कर सारी सामग्री को एक बर्तन में डब्बे में भर के रख लीजिए, थोड़ा सा हवन सामग्री निकाली और 5-7-11 आहुति जो देना है वो दे दी। हम अपने लिए दुनिया की चीजें जुटा लेते हैं तो नित्य हवन करने के लिए क्या इतनी व्यवस्था नहीं जुटा सकते? बिल्कुल जुटा लेना चाहिए। अब आपने ओम की बात पूछी थी तो गुरु मंत्र में ओम है तो स्त्रियों को ओम उच्चारण निषिद्ध है, इसलिए आपको बिना ओम के ही जो है बिना ओम के ही अपने गुरु मंत्र को जपना चाहिए। जी ठीक है। राम गुरु जी। राधे राधे।